हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कॉपीराइट के बारे में कि कॉपीराइट क्या चीज़ होती है, अगर आपकी YouTube वीडियोस पर कॉपीराइट लग जाती है तो इसे कैसे बचा जाता है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पर मेरे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम बात करें तो कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। कॉपीराइट क्लेम अगर आप लोगों के वीडियोस में लग जाते हैं, आपको इससे कैसे बचना है इस बारे में भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉपीराइट क्लेम होता क्या है। अगर आपने कोई वीडियो के अंदर किसी का भी कंटेंट कॉपी करा है, सपोज करो आपने कोई गाना कॉपी करा है या कुछ भी आपने कॉपी करके आपके यूट्यूब वीडियो में आपने बताया है, तो आपके चैनल यूट्यूब क्या करती है, आपके यूट्यूब उस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम लगा देती है। इससे आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। इससे आपके चैनल और वीडियो पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपका क्या होता है, जो मोनिटाइजेशन होती है आपके यूट्यूब वीडियोज़ की, वो सिर्फ आपका क्लेम हो जाता है, जो उसका मेन हकदार है। अगर आपने किसी फिल्म का गाना कॉपी करा है और आपने यूट्यूब वीडियोज़ पर लगाया है, तो आपके यूट्यूब वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम लग गया। इससे क्या होगा, यूट्यूब क्या करेगी, आपका जो रिवेन्यू होगा इस गाने का, वो उसको मेन पर्सन को दे देगी, जिस कंपनी या जिस गाना था, जिस मूवी का, उसको दे देगी। अब हम जान लेते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। अगर आपके यूट्यूब वीडियो पर 3 स्ट्राइक लग जाते हैं 3 मंथ के अंदर अंदर, तो इससे आपका यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो जाएगा। इससे इन दोनों से आपको बचना कैसे है, मैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस टाइम स्क्रीन पर डिस्क्लेमर आ रहा होगा, आप लोग वीडियो पॉज करके और एक बार आप रीड कर सकते हैं। ये डिस्क्लेमर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग सिंपली जाके उसको कॉपी कर सकते हैं और अपने नोट में जाके अपना पेस्ट करके रख सकते हैं। और जैसे ही आप लोग वीडियो बनाते हैं, अगर आपको लगता है कि उन वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम लग सकता है, तो आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन में जाके लगा सकते हैं। ऐसे यूट्यूब को लगता है जो भी आपने ये वीडियो बनाई है सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से बनाई है, आपको इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं लगाती यूट्यूब, ना स्ट्राइक लगाती है, तो आप लोग ऐसे यूट्यूब चैनल को अपना बचा सकते हैं कॉपीराइट से। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप लोगों को कॉपीराइट से बच सकते हैं। तो वीडियो में यहाँ तक बन जाता है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।